अरे मोदी जी, एक बात बताइए मुझे, ये बताइए जो अंगूर की खेती हुई है, इस अंगूर का हम करेंगे क्या? बहुत अच्छा अंगूर है, यहाँ पे खड़े होकर हम लोग फोटो खिंचा लिए, इससे हम लोगों को कुछ फायदा मिलने वाला है क्या खेती में? बहुत अच्छा अंगूर हुआ है, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि ये जो अंगूर है कौन से मंडी में हम लोग बेचेंगे, उस मंडी का नाम बताओ। हम भी अपने खेत का तुड़वा रहे हैं सारे अंगूर एक तरफ से, और उसकी पैकिंग करवा रहा हूँ कल लेबर लगवा करके, लेकिन ये बताओ कि कहाँ पे बेचेंगे? तुमको अच्छा खासा जानकारी, मैं पहली बार अंगूर की खेती किया हूँ इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे योगी जी, बात कुछ ऐसी है, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ। देखो अंगूर, पहले तुम फालतू वाली बात मत किया करो हर जगह। अभी तुम फोटो खिंचा रहे हो, यहाँ पे हम लोग किसान हैं, यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं सबके सामने, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम पहले फोटो खिंचाओ, उसके बाद जाके लेबर लगवाओ, हम बताएंगे तुम्हें अंगूर कहाँ बिकेगा। अगर अंगूर कोई नहीं लेगा तो मुझे दे देना, मैं बेच दूंगा सारा का सारा अंगूर, मैं तो पुराना आदमी हूँ इस बिजनेस में। तुम क्या समझते हो? तुम अपना ऐसे काम करो, लेकिन फालतू वाली बातें मत करो। यहाँ पे लोग जो सुनते वो सोचते होंगे इनको कुछ आता जाता है नहीं। अब बताओ यहाँ पे ऐसी बातें किया जाता है क्या? मैं तो अखिलेश और राहुल का सारा अंगूर लेने वाला हूँ और अपने काम में सारा बिजी करने वाला हूँ। मैं तो अपना अंगूर नहीं दूंगा मोदी जी, मैं अपना अंगूर नहीं दूंगा। देखो मैं अपने अंगूर को ले जाऊंगा मंडी, अपने आप बेच सकता हूँ, तुमसे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आज से अंगूर की खेती नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिनों से अंगूर की खेती कर रहा हूँ। अंगूर देना होगा तो तुम्हें अखिलेश दे सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा चार, मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता, मैं बताए दे रहा हूँ। अरे भैया, मैं तो तुम्हारे साथ राहुल ले चलूंगा, वही बेचूंगा। मोदी जी को देने से कोई फायदा तो है नहीं, ये तो बीच में कमीशन और खा लेते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं दूंगा। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे राहुल तुम बताओ ये कोयला कहाँ जाएगा? जहाँ भी ये कोयला जाए उसका जगह मुझे बता दो, बहुत वजन है, मेरे टकले भी इतनी देर से रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। ये भी मोदी जी भी इतना कोयला भरवा देते हैं कि लगता है कि एक ही बार में सारा कोयला पहुंच जाएगा। अरे आराम आराम से जाएगा, अब ये तो है नहीं कि कभी भी तुम ऐसे लोडिंग करवा देते हो। अभी देखो राहुल, तुम देखो यहाँ पे केजरीवाल का क्या हो रखा है, ये बताते नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ, केजरीवाल देखो पीछे पलटे जा रहे हैं। बताओ भैया राहुल कहाँ जाएगा कोयला, फटाफट मुझे बताओ। अरे भैया मुझे क्या पता, मुझे कोई पता नहीं है, ये बात केवल एक आदमी बता सकता है यहाँ पे, नीतीश कुमार बता सकते हैं या केजरीवाल, ये कोयला कहाँ जाएगा। तुम ही नहीं परेशान हो, मेरा भी सर देखो नीचे, मैंने कुछ भी नहीं रखा है लेकिन इतनी गड़न हो रही है, इतनी गड़न हो रही है, मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। एक बात मैं बताऊँ योगी जी, काम कैसा भी हो कर लेना चाहिए, लेकिन इतना वजन काम मोदी जी ने ठेके में लेकर आए हैं, रुपये दिहाड़ी हमारी तुम्हारी 250-250 रुपये, काम 1-1 हज़ार रुपये का ले रहे हैं, ऐसा काम मैंने कभी नहीं देखा। एक बात बताऊं, अरे ये बताऊं केजरीवाल ही कहाँ जाएगा कोयला, हम भी यही सोच रहे हैं, इतनी देर से चलते चलते थक गए हैं। अरे भैया हमसे मत पूछो, हमसे मत पूछो कहाँ जाएगा कोयला, हम जहाँ तुम चलोगे पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ। एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, ये कोयला की जगह जानते हो किसके ठेके में हम लोग काम कर रहे हैं? मोदी जी और नीतीश कुमार, यही बता सकते हैं ये कोयला जाएगा आखिर कहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कहाँ पर जाएगा। अरे नीतीश भैया ये कोयला कहाँ पर जाएगा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अरे ये जाएगा भट्टे के अंदर जिसमें ईंट पकती हैं, वहाँ पे ले चलो और इसको छोड़ो, और 250-250 रुपये आज नहीं मिलेंगे क्योंकि आज 200 रुपये मिलेगा, काम बता रहे मोदी जी मंदा चल रहा है इसलिए पैसे कम मिलेंगे। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब।